दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला के होटल व्यवसायियों के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर तोहफा लेकर आया है। हिल्स क्वीन में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है, जिससे कि सभी होटल भर चुके हैं। फिलहाल काफी समय से नुकसान झेल रहे होटल व्यवसायियों को अब मुनाफे की आस जग उठी है। बता दें कि क्रिसमस पर भी आज काफी संख्या में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र से पर्यटक आए हुए हैं। इस दौरान हिल्स क्वीन में पर्यटकों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस के पर्व को मनाया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि सरकार द्वारा कर्फ्यू समय की 9 की बजाय शाम को 10 बजे करने से उन्हें काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद शिमला के अभी होटल फुल हुए हैं। देखिए, जब से हमारे चीफ मिनिस्टर सर और गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि 10 बजे तक कर्फ्यू 10 से 6 रहेगा और संडेज को भी मार्केट खुलेंगे, तब से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टूरिज्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगा है। और आज जो मुझे काफ़ी होटलों से बात हुई है, तो मुझे लग रहा है आज और कल तो 100% ऑक्यूपेंसी की उम्मीद है सारे शिमला में। इसके मुझे लग रहा है ये सारा वीक जो है 31 तक बहुत अच्छा और शिमला, खासकर शिमला के लिए बहुत अच्छा और फुल रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बट आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगा, सारे टूरिस्ट जो आ रहे हैं शिमला, उन्हें जो गाइडलाइंस हमारी सरकार ने दिए हैं खासकर हिमाचल के लिए, वो उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर सोचते हैं कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में मास्क नहीं है या फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और यहाँ भी वैसा है, वो गलत सोचते हैं। तो मैंने हमारे मेंबर्स को भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि सारे अपने गेस्ट को बोलें कि ये गाइडलाइंस है हमारी सरकार की और ये फॉलो करें, ताकि अभी कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी बल्कि हमारे सिटीजन्स की सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, हमारे स्टाफ की और हम सब की। तो ये देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे टूरिस्ट को गाइडलाइंस फॉलो करें। ये मैं तो जनरली CM सर से डिस्कस, जब मैंने की बात, मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे काफ़ी ग्रीवेंसेज है, जैसे कि हमारे सेल्स जो है नहीं, 60% डाउन है ऑक्यूपेंसी और रेस्टोरेंट में सेल्स, जिसकी वजह से पैसे तो आ ही नहीं रहे हमारे पास। काफ़ी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे पानी के बिल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं, गार्बेज बिल आ रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से भरेंगे, जबकि हमारे यूनिट्स मार्च से बंद थे बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट के जो निर्देश थे लॉकडाउन के, उसकी वजह से जब हमारे यूनिट्स ही डाउन थे, ना हमने पानी यूज़ किया, ना बिजली यूज़ किया, ना गार्बेज यूज़ किया, तो तब भी इतने बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं। तो हमने CM सर से रिक्वेस्ट किया कि हम बिल्स देना चाहते हैं पर कहाँ से दें सर। तब CM वॉज वेरी काइंड इनफ, ही सेड दैट मैं ज़रूर इसके लिए सोचूंगा और एक शायद कमेटी भी बनाएंगे जहाँ हमारे ग्रीवेंस सुने जाएंगे और वो सॉल्व करेंगे। देखिए, इतना रश जो आ रहा है, काफ़ी जो बड़े होटल्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो जो हर साल जो गैला डिनर्स वगैरह रखते थे बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए, वो मेरे ख्याल से कोई कर नहीं रहा है। वो खाली नॉर्मल अपने रूम्स और वो डिनर वैसे खिलाएंगे, बाकी जो डांस वगैरह होता था मेरे हिसाब से सारे अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और ये फैल भी सकता है। तो ये हम अप्रिशिएट करते हैं सारे होटल की तरफ से। बाकी जो टूरिस्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उन्हें ये सारे गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी चाहिए। और संडे की बात कर रहे हैं, तो संडे को जो अब सरकार ने जो निर्णय लिया है खोलने का, ये हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो इसीलिए कि टूरिस्ट काफ़ी परेशान हो रहा था, सैटरडे संडे खासकर जब वीकेंड के लिए आते थे, तो सैटरडे तो घूम फिर के खा पी के चले जाते थे, संडे उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि कहीं खाना पीना, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, तो ये काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव निर्णय है और इससे टूरिज्म हमारा बढ़ेगा। दिव्य हिमाचल TV के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।